हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिक उपकारी जिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जानी है धन धन दिन से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लक्षण और लक्षणाभास ये अपना प्रकरण यहाँ चल रहा था। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को अलग चाटने रूप पहचान का चिन्ह वो कहलाता है लक्षण। ठीक है ना? पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु के पहचान की बात उसमें लागू होगी। कल हमने नोटों के पहचान की चर्चा की थी। लक्ष्य क्या है? लक्षण से जिसे पहचाना जाए वो लक्ष्य। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा दो प्रकार के, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत, है ना? आत्मभूत लक्षण जो नियम से पाया जाए, वस्तु के मूल स्वरूप में शामिल हो, अनादि अनंत हो, त्रिकाल हो, प्रत्येक अवस्था में पाया जाए, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रत्येक पोजीशन में रहे, वो कहलाएगा आत्मभूत लक्षण। दूसरा है अनात्मभूत। अनात्मभूत माने वस्तु के मूल स्वरूप में ना हो, वो है अनात्मभूत, जो मूल स्वरूप में नहीं है लेकिन पहचान का चिन्ह है। संयोगों से पहचानना, परिस्थितियों से पहचानना, और भी लगावटी मिलावटी ऐसी किसी वस्तु से पहचान लेना, ये सब संयोगाश्रित जो लक्षण होते हैं वे अनात्मभूत लक्षण होते हैं। हम काफ़ी चर्चा इन सब बातों के बारे में कर चुके थे। एक और बात मुझे इस संबंध में कहनी है कि जब हमने किसी लक्षण की चर्चा की, लक्षण से किसी वस्तु को पहचानने की जब हमने बात कही, तो उस वस्तु को पहचानना ये तो हो गया लक्ष्य, और एक है अलक्ष्य, जो वस्तु का जो लक्षण है उससे जो भिन्न हो वो है अलक्ष्य। लक्ष्य भी और अलक्ष्य भी, तो अलक्ष्य की भी हमारे को खबर हो गई। एक आत्मभूत लक्षण जो कहे हमने, उनमें एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो बात ये है कि गुण और लक्षण में अंतर है। क्या? जो अनादि अनंत हो, जो त्रिकाल हो, जो सदा हो, जो पाए जाए हैं, वो गुण भी हो सकते हैं और लक्षण भी हो सकते हैं। यहाँ गुण और लक्षण में क्या फर्क है? जैसे हम बात कहें चारित्र आत्मा का गुण है, श्रद्धा आत्मा का गुण है, अस्तित्व आत्मा का गुण है, अमूर्तिकपन ये भी आत्मा का गुण है, हमेशा है, लेकिन ये सब लक्षण नहीं है क्योंकि इन चीजों से आत्मा की को पकड़ नहीं सकते, अपन पहचान नहीं हो पाती है इनसे। तो पहचान का जो चिन्ह हो ऐसा गुण वो लक्षण कहलाता है। माने अब देखो दूसरे प्रकार से मैं इस बात को समझाऊं तो ऐसा कह सकता हूं,
एक वस्तु में गुण तो अनंत होते हैं लेकिन लक्षण अनंत नहीं हो सकते। गुण तो बहुत सारे हैं आत्मा में, लेकिन उन बहुत सारे गुणों में से लक्षण क्या होगा? बोले उन बहुत सारे में से एक वो गुण जिससे उस वस्तु को पहचानो वो लक्षण होगा, वो प्रतिनिधित्व करे अन्य अनंत गुणों का, वो लक्षण कहलाएगा। माने लक्षण प्रतिनिधि गुण का नाम है जो पहचान का चिन्ह हो। तो गुणों में विशिष्ट गुण हो गया, सामान्य गुण लक्षण नहीं हो सकते क्योंकि सामान्य गुण तो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। बोलो अस्तित्व नाम का गुण है आत्मा में, अस्तित्व नाम का गुण पूरे ही आत्मा में, सब आत्माओं में, आत्मा के किसी अंश में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और अनादि अनंत भी है और प्रत्येक अवस्था में भी है, सब जगह पर अस्तित्व गुण है, लेकिन फिर भी वो लक्षण नहीं है क्योंकि अस्तित्व पहचान का चिन्ह नहीं हो सकता। और पहचान के चिन्ह के साथ में भी उसमें अव्याप्तिपन नहीं होना चाहिए, अतिव्याप्तिपन नहीं होना चाहिए और असंभवपना भी नहीं होना चाहिए, तब वो लक्षण कहलाएगा। लक्षण में ये तीन प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए जिन्हें शास्त्रों में या न्याय शास्त्रों की भाषा में लक्षणाभास कह करके पुकारा है। लक्षणाभास कितने प्रकार के होते हैं? लक्षणाभास अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन लक्षणाभास है। अब इसमें अव्याप्ति की चर्चा, अभी देखो तीनों की परिभाषा बतला रहा हूं मैं, प्रकरण मेरे को पूरा करना है आज, मैं उन बारीकियों तक आपको ले जाना चाहता हूं जिसमें प्रैक्टिस हो हमारे को। लेकिन पहले परिभाषा एक बार जो कल नहीं थे उनके लिए, अव्याप्ति एक देश लक्षण, एक देश जो लक्ष्य के एक देश में पाया जावे, लक्षेक देश वृत्ति अव्याप्तम यथा गोशावलेयत्वम। लक्षेक देश, लक्ष्य के एक देश में पाया, एक देश का मतलब क्या होता है? कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से का मतलब आधे शरीर में हो आधे में नहीं हो, ऐसा नहीं। वो जीव की चर्चा चल रही है तो सब जीवों में नहीं हो, कुछ जीवों में हो कुछ में नहीं हो, या फिर कुछ अवस्था में हो कुछ अवस्था में नहीं हो, कुछ द्रव्य में हो कुछ में नहीं हो, उसके कुछ क्षेत्र में हो कुछ में नहीं हो, उसके कुछ काल में हो कुछ में नहीं हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से जो सर्वांगीण ना हो, व्याप्त अव्याप्त, व्याप्त माने होता है फैला हुआ पसरा हुआ, और अ माने नहीं, जो लक्ष्य में फैला हुआ नहीं हो उसका नाम है अव्याप्त। अति व्याप्त, व्याप्त माने फैला हुआ, कि कितना फैला है, कि थोड़ा सा ज्यादा फैल गया। आपका यदि 6x6 का गद्दा है, क्या 7x7 का गद्दा है और 6x6 की चद्दर है, क्या तो चद्दर उसमें कैसी है? अव्याप्त है। और गद्दा चद्दर के लिए अति व्याप्त, हाँ गद्दा चद्दर के लिए अति व्याप्त हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे की अपेक्षा से होगी ना बात। अभी तो यहाँ लक्षण की बात कर, अव्याप्त और अति व्याप्त समझ में आना चाहिए, पूरी तरह से व्याप्त नहीं हुआ वो अव्याप्त, और लेवल से ज्यादा फैल गया वो अति व्याप्त। चलो और असंभव, जिसकी दूर दूर तक की संभावना नहीं हो, क्या गाड़ी किसे कहते हैं जो गद्दे पर बिछाई जाती हो, पागल हो गया है, असंभव है। मतलब ऐसी कोई भी चर्चा समझ लो आप, कपड़ा किसे कहते हैं जो किचन में रोटी बनाने के काम आता हो, तो अब ये क्या होगा? असंभव है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो आप? जिनका जिन बातों से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, जो जो गुण जो धर्म जो लक्षण वस्तु में पाया ही नहीं जाता हो, अंश में भी नहीं ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं पाया ही नहीं जाता, उसे लक्षण बना दिया जाना, ये असंभव, असंभव दोष से युक्त होगा ऐसा लक्षण। तो इस तरह से ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव लक्षणों की बात कही। शिष्य से पूछा, माने आपसे पूछा, किसने पूछा?
कौन से आचार्य ने पूछा, किसने पूछा? अभिनव धर्म भूषण यति, कौन से ग्रंथ में पूछा? न्याय दीपिका में। क्या पूछा कि आपके समझ में आया? आ गया। अच्छा समझ में आ गया तो फिर बताओ, अब बताओ। जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, क्या जीव का यह लक्षण सही है? परीक्षा करो। नहीं है अव्याप्ति, क्यों? आत्मभूत लेकिन अव्याप्त, आत्मभूत लेकिन अव्याप्त। हाँ अव्याप्त, अव्याप्त दोष है, दोष वाले के अंदर वो आत्मभूतपना नहीं लागू होगा, आत्मभूत का दोष हो गया ये तो। इसलिए आत्मभूत लक्षण तो सच्चा लक्षण है, वो तो लक्षण है, और अव्याप्त दोष है ना। तो अभी केवल ज्ञान है, जीव किसे कहते हैं? बोले जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं। सही सही बताओ, ये बात सही है या नहीं? जिसमें केवल ज्ञान हो वो जीव नहीं है क्या? वे जीव है, लेकिन जिनमें केवल ज्ञान नहीं हो वो भी तो जीव है। अच्छा देखो, हमने यदि जीव का लक्षण केवल ज्ञान बनाया, अब परीक्षा कैसे करें? परीक्षा करने का आधार देखो, सबसे पहले तो ये नक्की करो कि असंभव तो नहीं है जीव में केवल ज्ञान, या असंभव तो नहीं है? जीव में ही होता है ना, तो असंभव दोष तो नहीं है साहब, ठीक है। फिर सोचो, जीव के अलावा किसी और में केवल ज्ञान पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो जीव के अलावा किसी दूसरे में पाया जाता होता तब तो अतिव्याप्त हो जाता, लेकिन जीव के अलावा किसी और में नहीं पाया जाता इसलिए अतिव्याप्त तो नहीं है जीव को केवल ज्ञान कहना। फिर देखो, सभी जीवों में केवल ज्ञान पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। कि सब जीवों में केवल ज्ञान तो नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है और कुछ जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए यह केवल ज्ञान जीव का लक्षण बनाना अव्याप्ति दोष से युक्त है, अव्याप्त नाम का दोष है। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो इन्होंने यही लिखा है यहां, नहीं, क्योंकि यहां जीव लक्ष्य है, जीव लक्ष्य है, केवल ज्ञान लक्षण है, लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में रहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान सब जीवों में नहीं पाया जाता, अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। कुछ जीव किन्हीं संयोगों से पहचाने जाते हैं केवल ज्ञानी हो गया है, तो क्या हम उसको अनात्मभूत मानेंगे उन संयोगों को देखकर? कैसे, कौन से संयोगों से? जैसे छत्र चंवर भामंडल भारी। हाँ, तो छत्र चंवर भामंडल से उन्हें परमात्मा कहना ये जो है अनात्मभूत लक्षण है, पहचान लिया हमने, लेकिन अनात्मभूत लक्षण त्रिकाली नहीं होते। हाँ, इसीलिए देखो, जब परीक्षा प्रदानी की बात होती है, सुनना एक बार, जब परीक्षा करने की बात होगी तो ऐसा लक्षण नक्की किया जाएगा जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित हो, ऐसा ही होना चाहिए। चल चल, आवाज फर्क पड़ा क्या कुछ? हेलो हेलो, परीक्षा जब करने की जब बात आएगी तो परीक्षा में तुरंत ये बात लागू होनी चाहिए कि वो तीन दोषों से रहित हो, ठीक है? अब मेरे ख्याल से तीन दोषों से रहित हो तो परीक्षा होगी, लेकिन जहाँ पहचान का सवाल है वहाँ अनात्मभूत से भी पहचान हो जाती है। परीक्षा करना का सवाल अलग होगा, और पहचान और परीक्षा दो चीजें हो गई। पहचान के लिए अनात्मभूत भी काम आ सकता है, लेकिन परीक्षा के लिए आत्मभूत से ही परीक्षा होगी, ठीक है? अनात्मभूत जो लक्षण है उससे पहचान हो गई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब निर्दोष लक्षण की बात करेंगे तो फिर वो अनात्मभूत में नहीं लगाएंगे, फिर वो आत्मभूत की परीक्षा करनी होगी, आत्मभूत से ही परीक्षा होगी। समविशरण आदि विभूति से सहित है, तीर्थंकर कौन होते हैं? समविशरण आदि विभूति से सहित हो, जिनके समविशरण दिखाई दे रहा है बोले वो भगवान होते हैं, भगवान का लक्षण बना दिया हमने ऐसा, अव्याप्त है, सारे भगवानों में नहीं होता,
सिद्ध भगवान में नहीं होता, अव्याप्ति लक्षण से युक्त होगा, दोष से युक्त होगा, अव्याप्ति है ये दोष। और हमने ये कहा कि जिनमें ज्ञान होता है वो भगवान होते हैं, पकड़ना पड़ेगा भीम जी, वैसा आपसे पूछूंगा, अतिव्याप्ति है सही है बिल्कुल, तो तालियां बजाने जैसी स्थिति है आपके लिए, सही है बिल्कुल। तो क्यों क्यों हो गया अतिव्याप्ति, क्योंकि वो भगवान के अलावा भी औरों में पाया जा रहा है, जो भगवान नहीं है उनमें भी पाया जा रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति हो गया। मतलब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति शब्दों को देखोगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी अभी आपको, अभी करेंगे अपन, थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं अपन यहाँ से क्या क्या बातें कह रहे हैं। यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है, कौन सा जीव का लक्षण, केवल ज्ञान बनाना। यदि इस लक्षण को सही मान ले तो मति श्रुत ज्ञान वाले हम और आप सब अजीव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे में केवल ज्ञान नहीं है, हम अजीव हो जाएंगे। तो फिर यार ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी, तो एक काम करो, जीव किसे कहते हैं, तो बोले मति श्रुत ज्ञान वाले को जीव का लक्षण मान लो। जीव क्या होता है, बोले जिसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं। अब तो अपन सब जीव हैं, सब में मति शुद्ध ज्ञान है, चींटी में मति शुद्ध ज्ञान है वो भी जीव है, मक्खी मच्छरों में मति शुद्ध ज्ञान है वो भी जीव है, अब क्या दिक्कत है। सिद्ध भगवान अनंत भगवान वो अजीव हो जाएंगे, उनको जीव नहीं कह पाएंगे हम, क्योंकि उनके मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करें, ये देखो कह रहे नहीं, ऐसा मानेंगे तो अनंत और सिद्धों को अजीव मानना होगा, क्योंकि उनके मति श्रुत ज्ञान नहीं है, अतः इसमें भी अव्याप्ति दोष आता है। तुमने ठीक कहा, अब कोई दूसरा श्रोता उत्तर देगा, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, क्या यह ठीक है। नीचे पढ़ लोगे तो कह सकते हो गलत है क्या, बोलो। अमूर्तिक, अमूर्तिक जो अमूर्तिक हो उसे जीव का लक्षण बनाओ, अब क्या दिक्कत है। अब तो संसारी जीव भी अमूर्तिक होते हैं, मुक्त जीव भी अमूर्तिक होते हैं, मति श्रुत ज्ञान जिनके होते हैं वे भी अमूर्तिक हैं, केवल ज्ञान जिनके हैं वे भी अमूर्तिक हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्र मतलब जीव मात्र सब अमूर्तिक होते हैं, तो जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाओ। सारे जीवों में पाया जाता है सब अमूर्तिक पना, अब तो कोई दोष नहीं है। अरे अरे सब में तो पाया जाता है, ये तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं क्या जो जीव नहीं है उनमें भी अमूर्तिक पना पाया जाता है, तो क्या हुआ, अति हो गई है, ये तो अति हो गई भाई साहब। तो ये कौन सा दोष हो गया, अति व्याप्ति दोष से युक्त हो गया। देखो प्रवचन का शिष्य श्रोता क्या कह रहे हैं, हाँ क्योंकि अमूर्तिक तो सभी जीव होते हैं, इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, बात सही कह रहा है, अव्याप्ति दोष नहीं है इसमें, तो सब में पाया जाता है, इसलिए ये तो सही है, जीव को अमूर्तिक तो कह सकते हैं, लक्षण बना सकते हैं। प्रवचनकार कह रहे हैं यह लक्षण भी ठीक नहीं है, यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है किंतु अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि जीवों के अतिरिक्त आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। उक्त लक्षण में जीव है लक्ष्य और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य हुए अलक्ष्य। यद्यपि जीव अमूर्तिक है किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश आदि द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है, अतः उक्त लक्षण जीव का लक्षण अमूर्तिक बना देना, ये लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त होने से अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा माना जाएगा तो फिर आकाश आदि अन्य चार द्रव्यों को भी जीव मानना पड़ेगा। मैं इसको जब कभी पहले समझाया, मैंने जब 20-25 साल पहले जब कभी ये विषय चला था तो मैं ऐसे समझाता था, जैसे कल मैंने एंट्री की बात कही थी ना, हमने कहा एक सीक्रेट मिशन के संबंध में एक आवश्यक मीटिंग रखनी है और उसमें ये जरूरी है कि सभी जीव होने चाहिए,
जीव के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जीव के अलावा कोई दूसरा यदि आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और कोई जीव छूटना नहीं चाहिए, क्या कोई जीव छूट जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई जीव के अलावा दूसरा आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। ऐसी हमारे को एक स्पेशल सीक्रेट मीटिंग रखनी है। मीटिंग का टाइम 3 बजे है, दरवाजे पर चौकीदार को खड़ा कर दिया है और उसे कहा है जितने जीव हो सबकी एंट्री होनी चाहिए और जो जीव नहीं हो उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें बोलो? बोले मैं तो पहचानता नहीं हूँ साहब जीव को, आप ही बता दो क्या करें। क्या तो बोले कहा जिस जिस में केवल ज्ञान हो उन सबको आने दो, वो सब जीव हैं। तो मतिश्रुत ज्ञान वालों को रोक लिया, बाहर बाहर से चिल्लाने लगे, गड़बड़ हो गई, सब काम गड़बड़ हो गया है। जो आवश्यक थे वो नहीं आ पाए, जरूरी व्यक्तियों की एंट्री नहीं हो पाई, तो गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या करें बोलो? तो बोले दूसरा चिन्ह बतलाओ कोई। तो हमने ऐसा चिन्ह बतलाया, बोले यार तो कोई सारे जीवों में झगड़ा हो गया। बोले हम सब अमूर्तिक तो हैं, अमूर्तिक लक्षण पहचानने का चिन्ह बतला दिया उसको। बोले सुन जो जो अमूर्तिक हो सबकी एंट्री होने देना। तो फिर क्या हुआ? नहीं अमूर्तिक उद्गल तो मूर्तिक है ना, तो धर्मद्रव्य भी आ जाएगा, अधर्मद्रव्य भी आ जाएगा, आपके सब गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? माने ऐसा लक्षण बनाओ। देखो यदि सारे जीव नहीं आ पाएंगे तो अव्याप्त तो हो जाएगा, और जीवों के अलावा मीटिंग में कोई दूसरा भी आ जाएगा तो अतिव्याप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ प्रवचन सुनने आने वाले श्रोताओं का लक्षण बताओ क्या होना चाहिए। तो हमने कहा जैन होना चाहिए, ये लक्षण बना दिया हमने। तो हमने यदि जैन होना मात्र लक्षण बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या तो फिर तो प्रवचन सभा के अंदर कोई भी नहीं आ पाएगा। प्रवचन सुनने के लिए जैन होने की क्या जरूरत है? कोई भी हो, जैन नहीं हो वो भी तो आकर के सुन सकते हैं कि नहीं। तो क्या लक्षण बनाए फिर हम? कि मनुष्य गति का होना चाहिए, ये लक्षण बना दिया, वो आकर के प्रवचन सुन सकता है। बोलो इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या आपको? क्या दिक्कत है? मनुष्य गति का सुन सकता है कोई भी व्यक्ति? हैं कौन सब सब आ सकते हैं, कोई भी आकर के बैठे, क्या दिक्कत है? मनुष्य गति के जीव में सब आकर के बैठे तो हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। ये हमने पहचान की बात कह दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कबूतर आकर के बैठेगा तो बैठने नहीं दोगे आप, भगा दोगे, चिड़िया आ जाएगी। तो जीव लक्षण नहीं बना, जीव के लिए नहीं कह सकते हम कि सारे जीव आकर के सुन सकते हैं, सुनने नहीं दोगे आप तो कौन। लेकिन कोई मनुष्य आकर के बैठे तो आप उसको मना नहीं कर, नहीं भाई साहब आप नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि आपने कुर्ता पजामा नहीं पहन रखा। अरे ये कोई बात होती है? नहीं जींस वाले तो अलाउ नहीं है यहाँ। अरे उससे उससे कोई मतलब ही नहीं है, सैनी पंचेंद्री मनुष्य गति का जीव है तो आकर के बैठ सकता है। अभी जीव की चर्चा कर रहे थे हम, जीव का लक्षण बनाओ, जीव कौन होगा, सच्चा लक्षण बनाओ, निर्दोष लक्षण बनाओ तो क्या होगा जीव? बोले जिसमें जानना देखना पाया जाए, जो जानता देखता हो, जिसमें ज्ञान पाया जाए वो जीव है। ये ऐसा लक्षण है जो प्रत्येक जीव में पाया जाता है और जीव के अतिरिक्त औरों में नहीं पाया जाता, इसलिए ये निर्दोष लक्षण है। देखो यदि आत्मा का लक्षण, शंकाकार कह रहा है यदि आत्मा का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्शवान मान लिया जाए तो बोलो। कल हमने कहा था सफेद आत्माओं की बात, आत्मा सफेद होती है ऐसा मान लो तो क्या होगा? देखो ये बात तुमने खूब कही, क्या सो रहे थे क्या? ऐसा ही लगता है सो रहे थे क्या तुम? जीव का लक्षण स्पर्श गंधवर्ण बना रहे हो, ये तो असंभव बात है। आत्मा में वर्णादिक का होना संभव ही नहीं है, इसमें तो असंभव नाम का दोष आएगा, आ जाता है। ऐसे ही दोष को तो असंभव दोष कहा जाता है। इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए ना कि जीव का सही लक्षण क्या होगा।
सब में आपने दोष बता दिए, तो सही लक्षण बतला दो। हम बता चुके हैं जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है। तत्वार सूत्र में कहा है उपयोगो लक्षणम, न इसमें अव्याप्ति दोष है क्योंकि चेतना उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है, न अतिव्याप्ति दोष है क्योंकि उपयोग जीव के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए अतिव्याप्ति भी नहीं है, और असंभव दोष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब जीवों के उपयोग स्पष्ट देखने में आता है। इसी प्रकार प्रत्येक लक्षण पर घटित कर लेना चाहिए और नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। समझ में आई क्या कुछ बात? देखो बहुत जरूरी है कि आप देवशास्त्र गुरु का लक्षण बनाएं, बहुत जरूरी है कि आप सात तत्वों को लक्षणों से जानें, बहुत जरूरी है कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनके लक्षणों से इनको पहचानें। यदि आप द्रव्यों को लक्षणों से नहीं पहचानेंगे, यदि आप तत्वों को लक्षणों से नहीं पहचानेंगे, यदि आप देवशास्त्र गुरु का निर्णय यदि इन लक्षणों से यथार्थ लक्षणों से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मिथ्यात्व का पोषण होगा। आप सुख का लक्षण बनाइए। बोलो सुख किसे कहते हैं? बोले जो मीठा होता है उसे सुख कहते हैं। सुख का लक्षण बनाओ, सुख का लक्षण क्या है? जो मीठा है वो सुख है या नहीं? नहीं है। सुख का लक्षण मीठापना नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख का लक्षण यदि मीठापना बनाएंगे तो फिर किसी को नमकीन में सुख दिखाई दे रहा है उसका क्या होगा? तो खट्टापन, नमकीन, मीठापन, इनको सुख का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। सुख का अविनाभाव संबंध जीव के साथ में है, अनाकुलता में सुख है, निराकुलता में सुख है, वो सुख का लक्षण होगा। यदि हमने ये कहा, चलो दूसरी तरह से बात करूं, विषयों में सुख है, नहीं है, नहीं है? कि आप ऐसे कैसे कह दिया आपने नहीं है? थोड़ी देर में परेशान हो जाता है व्यक्ति, बात तो सही है, थोड़ी देर में हो जाता है परेशान, लेकिन इसमें घटित करो, विषयों में यदि सुख होगा तो सुख नाम का गुण लड्डू में मिलना चाहिए, जबकि लड्डू पुद्गल है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, पुद्गल में रस नाम का गुण है, पुद्गल में गंध नाम का गुण है, पुद्गल में बंधन वर्ण नाम का गुण है, तो पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। और आपने पुद्गल पदार्थों में, बंगले में सुख है, अच्छा टीवी में सुख है या नहीं बताओ? टीवी में है या नहीं सुख? नहीं है, टीवी में सुख नहीं है, चलते रहना चाहिए। अरे नहीं, चलते और नहीं चलने की बात तो बात की है, पहले तो हम कह रहे हैं टीवी में सुख मानना और समझना ये असंभव है। क्या ये जो आप कह रहे हो ना बंद क्यों करते हो, इससे तो ऐसे लगता है अव्याप्त है, माने थोड़ी देर तो है सुख, फिर थोड़ी देर बाद में सुख नहीं है, इसका मतलब पूरे में नहीं है, थोड़े में है, तब तो अव्याप्त हो जाएगा। लेकिन बात टीवी में सुख मानना ये अव्याप्त दोष नहीं है, ये तो असंभव दोष है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको? आपने जिसमें जो तत्व था ही नहीं उसमें वो तत्व माना, चलो टीवी में तो कोई बात नहीं, पैसे में सुख है या नहीं? असंभव है, असंभव, असंभव दोष भी आएगा, और असंभव दोष तो उनके समझ में आएगा जो वस्तु के विशेष गुणों को पहचानते हैं, ठीक है। अब जो विशेष गुणों को नहीं पहचानते हो वे ये कहें ये साहब मजा तो आता है कुछ भी कहो आप, कैसे नहीं है, हम नहीं मानते आपके, वो गुणों गुणों की बात नहीं समझते, हम तो एक बात जानते हैं कि इसमें सुख मिल रहा है, तो फिर उनको कहेंगे कि ये भी लक्षण इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि से भी अव्याप्त है, सदा काल नहीं है, इसमें जो सुख लग रहा है ना तुम्हारे को वो सदा काल नहीं है, हमेशा नहीं है। आपके शरीर में कैंसर बतला दिया, डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने, और बोलो आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट शाम को सूचना मिली, अभी कैंसर बतलाया डॉक्टर ने,
शाम को 5 करोड़ के प्रॉफिट की घोषणा, वो जानकारी मिली आपको, कितना मजा आएगा। क्या काम का? हाँ, मेरे क्या काम का है? मैं तो जाने वाला हूँ, मेरा तो जीवन ही पूरा होने वाला है, मेरे किस काम का? ये क्या हुआ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके कैंसर नहीं है, डॉक्टरों ने जांच की और कहा अरे परसों तक ठीक हो जाऊंगी। अब 5 करोड़ की घोषणा हुई तो अब मजा आ गया। ये क्या हुआ? ये सब भ्रम जनित नहीं है? भ्रम को दूर करने के लिए लक्षण लक्षणावास का प्रकरण कितना उपयोगी है। आप कहाँ कहाँ सुख मान करके बैठे हो, सुख की चर्चा करें क्योंकि हम तो सुख के अभिलाषी हैं एकमात्र। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, प्रत्येक जीव एकमात्र सुख चाहता है। सबको ये चाहिए कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो जब आप सुखी होना चाहते हैं तो आप निर्णय करो, पहले परीक्षा करो कौन कौन सी जगह पर सुख है। जहाँ जहाँ आपको सुख लगता है उस वस्तु को में सुख नाम का तत्व है कि नहीं है, उसमें अव्याप्तिपन अतिव्याप्तिपन असंभवपन उनसे नक्की करो उसमें सुख है या नहीं, तभी तो निर्णय होगा। परीक्षा तो तभी हो पाएगी ना, कसौटी पर कस करके देखना पड़ेगा हमारे को गोल्ड में सुख है या नहीं, गोल्ड में सुख है या नहीं है, बोलो हिसाब। सुख तो है, क्या बात कर रहे हो। तो गोल्ड हाथ में मिलने पर सुख है या ऊपर से कोई व्यक्ति वो सोने की सिल्ली मारे माथे पर है? तो क्या होगा बोलो, सुख है या नहीं? गोल्ड में है ना, अरे वो पत्थर जैसा है हमारे लिए, क्या आक्रमण करने के लिए वो सोने चांदी की सिल्ली वो कैसी है, वो हथियार जैसा हो गया। किसी व्यक्ति ने मारी हमारे को तो लहूलुहान हो गए तो कितना सुख मिलेगा। पत्थर से मारे हैं तब तो दुख, और सोने से मारे तो लोहे सोने की बेड़ी दिख रही है आपको, मैंने पत्थर से मारे हैं तब तो दुख होता है, लेकिन सोने, अरे साहब क्या, अरे मेरे को तो सोने से मारा सोने से मारा, उसमें सुख कितना है ये बताओ। तो सुख तो रंच मात्र भी नहीं। तो लक्षण क्या बनाए हम कैसा ऐसा लक्षण बनाए कि साहब ये जो लग रहा है ना हमारे को, देखो सुख का लक्षण बना रहे थे अभी अपन, हमें ऐसा लग रहा था कि टीवी देखने पर सुख मिला, हमें ऐसा लग रहा था कि हम समय पर पहुंच गए तो हमारे को सुख मिला, हमें ऐसा लगा प्रवचन सुना हमने, सुनने में हमारे को सुख मिला। तो इन सब चीजों में सुख का लक्षण क्या है? तो आचार्यों ने ऐसा कहा, सुख का एक लक्षण बनाया जा सकता है जो सब जगह पर लागू होगा, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, एक अलग मैटर है। लेकिन एक चीज है क्या, कि निराकुलता में सुख है। अब सब जगह पर फिट हो जाएगी ये बात, जहां जहां आकुलता खड़ी हो जाएगी वहां दुख चालू हो जाएगा, और जहां निराकुलता है वहां सुख है। बोलो विधान करने में आनंद है कि अरे साहब बड़ा मजा आता है, क्या बहुत मजा आया विधान करने में, बहुत मजा आ रहा है, चल रहा है विधान और नाच रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ कि 10 बजे खत्म होना था, 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, 1:15 बज गए, 1 बज गया, 10 बजे खत्म होना था, ये क्या कर रहे हैं? और अभी तक तो घड़ी नहीं देखी थी, अब घड़ी देखी तो क्या हुआ, आकुलता चालू हुई। अब आकुलता चालू हुई, घबराहट हो गई हमारे को, तो दुख हो गया ना। अब सुख कैसे होगा कि हमें मालूम चला गया, अरे जिस घड़ी में 1 बज रहे हैं ना, ये तो कल से 1 ही बज रहे हैं, क्या क्या अभी 1 नहीं बजा। तो क्या हुआ, अब दुख कहां चला गया, आकुलता चली गई। पॉइंट समझ में आ रहा है, आकुलता गई तो दुख गया। जितनी आकुलता होती है उतना दुख होता है, जितना आकुलता की कमी होती है उतना दुख की कमी होती है। जहां आकुलता का पूर्ण अभाव होता है वहां पूर्ण सुख होता है। जहां मोह और इच्छा दोनों का त्याग, मोह और इच्छाओं में तो आकुलता है, त्याग हो जाएगा वहां निराकुलता होगी। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, मोह और इच्छाएं जहां जहां होगी वहां वहां आकुलता होगी। आकुलता कहाँ नहीं है, मोक्ष में नहीं है, पूरी तरह से आकुलता का अभाव। इसलिए दौलत राम जी ने क्या कहा, शिव मग लागियो चाहिए। चलो लक्षण बनाओ फटाफट फटाफट, और दूसरी चीजों के कल कुछ बातें कही थी मैंने, आपने विचार किए होंगे, बतलाओ
मनीराजों का लक्षण पूछा था कल हमने, गुरु का लक्षण क्या है, मनीराजों का लक्षण क्या बनाए, अव्याप्ति दोष से युक्त मनीराजों का लक्षण बनाओ, अव्याप्ति दोष से युक्त मनीराजों का लक्षण बनाओ तो क्या होगा, अव्याप्ति दोष कैसा लक्षण बनेगा, अव्याप्ति दोष मतलब जो सब मनीराजों में नहीं पाया जाता हो, ऐसा मनीराज कौन होते हैं कि जो मने पर यह ज्ञानी होते हैं वो मनीराज होते हैं, अव्याप्ति लक्षण होगा। तो थोड़ा सा कसरत करनी पड़ेगी भाई, दिमाग को चलाना पड़ेगा तो आएगी बातें समझ में, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ भी ऐसे लक्षण, कोई रिद्धियों वाले मुनिराज बतला दिए, अब भावलिंगी संतों के होता है मने पर यह ज्ञान, तो अति व्याप्ति तो नहीं हो सकता, असंभव भी नहीं है क्योंकि मने पर यह ज्ञान मुनिराजों के होता है, लेकिन अव्याप्ति पूछा है हमने, सारे मुनिराजों के नहीं होता, अव्याप्ति दोष हो गया। अति व्याप्ति दोष से युक्त लक्षण बतलाओ मुनिराज का, नग्नता समझ लो कि अवधि ज्ञान वाले मुनिराज कहना, क्योंकि अवधि ज्ञान मनुष्य तेजस्वियों के भी होता है, देवनारकियों के भी अवधि ज्ञान होता है, नग्नता हमने मुनिराज का लक्षण बना दिया कि कौन नग्नता ही मोक्ष है ऐसा कह दिया, तो पशुओं में भी है, अति व्याप्त हो जाएगा उनको भी, जहां हमने नग्न देखा किसी पागल को हमने नग्न देखा, हमने कहा महाराज है, कैसा समझ लिया आपने, अति व्याप्ति दोष से युक्त हो गया। तो निर्दोष लक्षण होने चाहिए, जैसे गुरु के संदर्भ में अव्याप्ति अतिव्याप्ति लगाइए, ऐसे देव के संदर्भ में लगाओ, ऐसे शास्त्र के संदर्भ में लगाओ, किसी भी किताब को शास्त्र कह देना, किसी को भी देव, किसी को भी परमात्मा कह देना, समझ में आ रही है आपको बातें, देव शास्त्र गुरु के संबंध में, जीव के संदर्भ में, मोक्ष के संदर्भ में, आश्रव बंध के संदर्भ में लगाओ, इनमें घटित करो सम्यक दृष्टि। चलो सम्यक दृष्टि बताओ, सम्यक दृष्टि कौन होते हैं, अरे साहब ये तो है ना बहुत अच्छे विद्वान है, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे क्या, तो गजब बोलते हैं भाई, ये तो जब प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है इनकी वाणी से अमृत झरता हो, ये तो निश्चित सम्यक दृष्टि होंगे। अब बताओ आपने जिस लक्षण से किसी को सम्यक दृष्टि घोषित किया, आपके द्वारा बतलाया गया यह लक्षण क्या सच्चा लक्षण था, अरे कई सब हो सकते हैं इसमें, एक तो आपने उनके वक्तव्य से पहचाना, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, कि सुनो समझाना और बोलना ये तो वाणी का काम है, और सम्यक दृष्टि जीव, जीव की चर्चा चल रही है, आप पुद्गल में जो चीज पाई जाती है उसे किसी जीव का लक्षण बना रहे हो, असंभव है। चलो नहीं नहीं फिर भी साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध से यही कहा जाता है कि जीव बोलता है, कोई बात नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा देखो, बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्हें आपने सम्यक दृष्टि कह दिया, बहुत अच्छे बोलने वाले तो अच्छे अच्छे स्पीकर जैन अजैन सब होते हैं, यदि बहुत अच्छा समझाने और बोलने वाले को सम्यक दृष्टि मान लिया जाए तो उनको भी सम्यक दृष्टि मान लिया जाएगा, अति व्याप्ति हो गया। समझ में आ रही है क्या आपको बात, कुछ क्या कह रहे हैं हम, लक्षण ऐसा होना चाहिए जो निर्दोष हो, क्या सम्यक दृष्टि कौन होते हैं इनकी पहचान का चिन्ह बनाओ। तो हमने कहा भैया सुनो, सम्यक दृष्टि वो होते हैं रात्रि भोजन नहीं करते, जमीकंद नहीं खाते, अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, कौन होते हैं जमीकंद आदि नहीं खाते, सप्त व्यसन से दूर रहते हैं, रात्रि भोजन से, ये सब जिनमें हो भाई साहब वो सम्यक दृष्टि है, है? नहीं क्या अब ये सब तो सम्यक दृष्टियों में होते हैं सब, ये तो नक्की है बात। सम्यक दृष्टि कभी सप्त व्यसन का सेवन नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि मध्यमास पशु का सेवन नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि जीव अनिति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी होगा, सम्यक दृष्टि जीव जमीकंद नहीं खाएगा, तो ये सब सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि का ये लक्षण बनाया जा सकता है, ये बातें नहीं भाई, ये बातें सम्यक्तियों के अतिरिक्त असम्यक दृष्टियों में, माने लक्ष्य सम्यक दर्शन है उसके अतिरिक्त अलक्ष्य जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनमें भी पाया जाता है, क्या इसलिए अति व्याप्ति दोष से युक्त लक्षण हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बातें आपको, कहीं भी घटित करते रहो, जैसे जहां लगा लो आप इसको,
क्या किसी का भी लक्षण बना दो, कुछ भी लक्षण, हमने समझ लो माइक का लक्षण क्या है, माइक का लक्षण क्या बनाए, नहीं ऐसा लक्षण बनाओ जो सदोष, अभी तो दोषों की, दोषों को समझना है ना अपने को, तो अभी अपने को अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव को समझना है, तो अभी अभी ऐसा लक्षण बनाओ इस माइक का जो सदोष हो, बोलो क्या कहेंगे, जो काले रंग का हो उसे माइक कहते हैं, तो ये क्या है, माइक हो जाएगा है? कितनी बड़ी समस्या, रंग से किसी का निर्णय कर लिया अपन ने समझ लो, या फिर हमने ऐसा देखा कि बोले लकड़ी किसे कहते हैं, तो कहा कि जो बंदर भगाने के काम आए, लकड़ी से बंदर भगाते हैं, लकड़ी जो बंदर भगाने के काम आए, अब इसमें क्या होगा, अभी बंदर आ गए यहाँ और हमारे पास में कुछ था नहीं और हमने इसको उठाया, और तो इसे क्या करेंगे हम, लकड़ी, तो क्या हुआ कि अतिव्याप्ति हो गया, लकड़ी में तो है ही क्या वो गुण, लेकिन वो और में भी पाया जाए, मूल तो अपने प्रयोजन की सिद्धि की बात है भाई, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को पहचानने की बात है, जीव का लक्षण मिथ्यात्व भी नहीं बनाया जा सकता, जीव का लक्षण क्या है, बोले जो मिथ्या दृष्टि हो उसे जीव कहे, कौन सा दोष, अव्याप्त, सब जीवों में नहीं है अव्याप्त, तो फिर सम्यक दर्शन जीव का लक्षण बनाओ, तो वो तो है ना, चौथे गुणस्थान वाले के भी है, मुनिराजों के भी है, सिद्धों अरहंतों के सबके है, सब सम्यक दृष्टि है सब, तो भी अव्याप्त है क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में नहीं है। अच्छा रागात्मक राग द्वेष करना ये जीव का लक्षण बना दिया तो भी अव्याप्त। अच्छा अस्तित्व यदि जीव का लक्षण बनाया तो अतिव्याप्त, क्योंकि पुद्गल में भी अस्तित्व है तो अतिव्याप्त हो जाएगा। तो ये लक्षण लक्षणाभास का ये प्रकरण, ये अपने आप को पहचानने के लिए अपना निर्णय करो कि मैं कौन हूं, बोलो मैं जीव हूं ना, यहां साहब मैं जीव हूं, तो अब जीव का लक्षण बनाओ कि कौन, यार मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूं यार, इस कांच में देखने पर कितना अच्छा दिख रहा हूं, कि मैं कौन, मैं कौन, मैं का लक्षण क्या है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना होगी वो मैं हूं, तो अपने आप को गोरा काला मोटा पतला कहना, गोरा काला मोटा पतला मानना है, ये अपने आप का निर्णय कौन से लक्षण से किया, असंभव लक्षण से, वो क्या गड़बड़ हो गई, अपने आप का निर्णय करना है ना हमारे को कि मैं कौन हूं, तो अपने आप का निर्णय करना है तो निर्दोष लक्षण से अपने आप का निर्णय करना चाहिए, मैं कितना गोरा हूं ये क्या किया आपने, असंभव लक्षण से अपने आप को पहचाना, और देखो मैं कितना वैभव संपन्न हूं, ये क्या किया, संयोगों से अपने आप को पहचान रहा है, जिनमें कुछ लेना देना नहीं है, एक झटका लगता है और कहां से कहां पहुंच जाता है, क्या? मैं गरीब हूं, अरे क्या दम है इस गरीबी में, ये गरीब से संपन्न हो जाता है, संपन्नता से गरीब हो जाता है, बोलो तो मेरा लक्षण क्या बनाए, अनादि अनंतता भी नहीं बनाया जा सकता है, लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, समझ में आ रही है, अनादि अनंतता यदि मेरा लक्षण होगा तो पुद्गल भी अनादि अनंत है, अनंत गुण संपन्न ये मेरा लक्षण है, सुनो अनंत गुण संपन्न सारे द्रव्य होते हैं, पुद्गल का परमाणु भी अनंत गुण संपन्न होता है, तो अनादि अनंतता भी नहीं है, अनंत गुण संपन्नपना भी नहीं, सब असंख्यात प्रदेशी में आत्मा, असंख्यात प्रदेशी ये तो मेरा लक्षण बन जाएगा, असंख्यात प्रदेशी नहीं बनेगा, क्यों, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, बोलो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, धर्मा धर्म एक जीवानाम असंख्यात प्रदेशी, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, इसका मतलब असंख्यात प्रदेशी तो हुई, अनंत गुण वाला तो हुई, क्या अनंत शक्ति संपन्न तो मैं हूं, अमूर्तिक भी मैं हूं, और ये अनादि अनंत ये जितनी बातें कही है
इन सब बातों के साथ साथ एक ज्ञान नाम का तत्व जिसमें है वो मैं हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। ये ज्ञान और आनंद स्वभावी ये लक्षण है। ज्ञान लक्षण से पहचानो अपने आप को। गलत समझकर गलत फहमी के कारण ये जीव अनादि काल से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल करता आ रहा है, मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, अनंत संसार इसके खड़ा है। किस वजह से? क्योंकि इसने अपने आप को सही लक्षणों से सही रूप में नहीं पहचाना। सही पहचान लो, सारे झगड़े मिट जाएंगे। देखो एक दो उदाहरण देकर और समझाइए ना, ये पढ़ लेते हैं, खत्म तो हो गया है। नहीं, समय हो गया है। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का और एक उदाहरण बाह्य यानी गाय पशु आदि का देकर समझा दिया है। अब तुम स्वयं अन्य पर घटित करना, यदि समझ में नहीं आवे तो आपस में चर्चा करना, फिर भी समझ में नहीं आवे तो कल फिर मैं विस्तार से अनेक उदाहरण देकर नहीं समझाऊंगा। आज समझा दिया है, हैं? ध्यान रखो, समझने से आता है, समझाने से नहीं। अतः स्वयं समझने के लिए प्रयत्नशील व चिंतनशील बनना चाहिए। ये सब बातें समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। तुम यदि समझना चाहोगे तो तुम्हारे को ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रकरण था, निर्णय करने के लिए, परीक्षा प्रदानी होने के लिए, अपने लाइफ में कदम कदम पर किसी भी चीज़ के निर्णय के लिए, अपने आप के सुखी होने के लिए, अपने भेद विज्ञान के लिए। सोचो आप ये कितना उपयोगी हो गया। ज्ञान लक्षण से जब जीव तत्व को पहचाना, सुनना, मार्मिक बात खत्म करता हूँ। जीव लक्षण को, जीव को जब हमने ज्ञान लक्षण से पहचाना तो समस्त पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भेद विज्ञान हो गया। और जब हमने ज्ञान लक्षण से पहचाना, मति ज्ञान लक्षण से नहीं, केवल ज्ञान लक्षण से नहीं, जब हमने ऐसा कहा तो पर्याय मात्र से पार अपने ज्ञायक का निर्णय हो गया। ज्ञायक स्वभाव का माने पर और पर्याय से भिन्न। पर सदा नहीं है और पर्याय त्रिकाल नहीं है। जो त्रिकाल भी हो, सदा काल भी हो, द्रव्य में हमेशा पाया जावे, वो लक्षण होगा। ऐसे लक्षण से यदि हम अपने आप को पहचानेंगे तो पर और पर्यायों से पार अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय हो पाएगा। और हम सभी ऐसे निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करते हुए अल्प काल में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।